आदि पुरुष रिलीज होने के बाद से ही जहां एक तरफ विवादों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म आदि पुरुष को 5 भाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इन भाषाओं में से किस भाषा में फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है। विवाद, आलोचना, विरोध, इन सब के बावजूद प्रभास और कृति सैनन की फिल्म आदि पुरुष ने 4 दिन में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 323.90 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री ले ली है। दिलचस्प बात तो यह है कि फिल्म न सिर्फ हिंदी बेल्ट में बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम बेल्ट में भी अच्छी खासी कमाई की है। तो आइए जानते हैं कि फिल्म ने सबसे ज्यादा किस भाषा में कलेक्शन किया है। फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा में की है। सैटनिल की रिपोर्ट के मुताबिक ओम राउत की फिल्म के हिंदी संस्करण ने 4 दिन में 120.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं तेलुगु भाषा में फिल्म ने 110.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। अन्य भाषाओं की बात करें तो आदि पुरुष के मलयालम, तमिल और कन्नड़ संस्करण ने क्रमशः 1.1 करोड़, 2.7 करोड़ और 1.7 करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही आपको बता दें कि आदि पुरुष पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हाल ही में ऑल इंडिया सीने वर्क एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखते हुए फिल्म आदि पुरुष की स्क्रीनिंग पर तुरंत बैन करने की गुजारिश की है और ओम राउत के खिलाफ FIR की भी बात कही है। प्रभास और कृति सैनन की फिल्म आदि पुरुष पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में अलग अलग जगहों पर फिल्म का विरोध करने की खबरें आ रही है। वहीं काठमांडू में आदि पुरुष को बैन कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में चलती स्क्रीनिंग रोकने की खबर आ चुकी है। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस माइथोलॉजिकल फिल्म का विरोध करने वालों में अब फिल्मी संगठन भी शामिल हो गए हैं। ऑल इंडिया सीने वर्क एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लेकर आदि पुरुष को बैन करने की मांग की है, साथ ही उसकी OTT रिलीज रोकने की भी मांग रखी है। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने ऑल इंडिया सीने वर्क एसोसिएशन के खत की एक कॉपी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इस लेटर के साथ बताया गया है कि ऑल इंडिया सीने वर्क एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखते हुए उनसे ये गुजारिश की है कि फिल्म आदि पुरुष की स्क्रीनिंग को थिएटर में तुरंत बैन कर दिया जाए। इसके साथ ही भविष्य में इसे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज न होने दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए इस लेटर में उन्होंने आगे लिखा, हमें फिल्म के निर्देशक ओम राउत, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ FIR करवाने की जरूरत है।